नमस्कार दोस्तों, आशीन किचन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाना जा रहा हूँ चिकन बिरयानी। देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूँ चिकन बिरयानी। ऐसे तो चिकन बिरयानी बनाना सब लोग को पसंद है, ये बनाते हैं, फिर भी मैं आज दूसरी स्टाइल में बनाने जा रहा हूँ। ये कैसा है अब देख लीजिए दोस्तों। ये हमने बासमती राइस लिया है, ये हमने एक किलो राइस ले लिया। एक किलो राइस में हम एक किलो चिकन ही ले लेंगे। ये चिकन धुला हुआ है और ये दही है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये गरम मसाला है और ये पट्टा लौंग, इसमें इलायची, ये सब मिक्स है और ये तेज पत्ता, ये सब मिक्स है। और हमने प्याज ले लिया है आधा किलो और ये आधा किलो जितना टमाटर ले लिया है। ये हरा धनिया का पत्ता है और ये पुदीना है। अब हम इस चावल को अच्छी तरह धो लेंगे। धोके इसको भिगो लेंगे। ये मैंने डाल दिया तेल डालने के बाद छोटी इलायची, ये मैंने प्याज भी डाल दिया, अभी थोड़ी देर के प्याज भुनने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एरा लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए मैं डाल रहा हूँ 2.5 चम्मच। अब मैं इसको हिला हिला के पकाऊंगा अच्छी तरह इस लहसुन अदरक का पेस्ट को। अब मैं डालना जा रहा हूँ टमाटर, काटे हुए टमाटर है ये। अब मैं डाल रहा हूँ नमक, नमक टू टेस्ट। अब हरा धनिया, कोत्तमल्ली, हरे धनिया, यो हो पुदीना, ये पुदीना है, ये पुदीना इरगा। अब हम इसमें डालेंगे चिकन 1 किलो। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर डाल रहे हैं हम।
अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन मसाला रेडीमेड, क्योंकि मैं ये बाहर से लिया था, ये मसाला है शक्ति का। दोस्तों ये दही है, दही 1 कप, क्योंकि बिरयानी में दही डालना ही चाहिए। सब मसाला मिक्स हो गया है, हम चिकन को 15% पकाएंगे, क्योंकि इसमें चावल भी पकाना है और पानी भी बॉईल करना है। हम इसको 10 से 15 मिनट तक ढक्कन लगा के पकाएंगे। चिकन हमारा 15% पक चुका है। अब हमने 1 कप में पानी डालेंगे। जैसे हमने 1 कप राइस ले लिया है तो हमने 1.5 कप से भी थोड़ा ऊपर से पानी डालना चाहिए, क्योंकि 1 कप 75% पानी डालना चाहिए। 1 कप डालने के बाद फिर उसके बाद 70% एक्स्ट्रा ऐसा पानी डालने से हमारा बराबर राइस हो जाएगा, राइस अलग अलग आ जाएगा, दाना दाना हो जाएगा। हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह बॉईल होना दे देंगे। दोस्तों अब हम इसमें 1 नींबू का रस भी डालेंगे, क्योंकि नींबू का रस डालने से और बिरयानी का स्वाद और बढ़िया मस्त लगेगा और अच्छा होता है। दोस्तों अब हम इसको ढक्कन लगा के इसका पूरा पानी सूप बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। दोस्तों मुझे लगता है पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। दोस्तों उबले हुए पानी में हमने चावल डाल दिया है, अब इसको हम पकाएंगे। अब हम इसको बीच बीच में हिला के ढक्कन लगा के पकाएंगे, क्योंकि चावल जले ना, आस्ता आस्ता गैस में हम इसको पका लेंगे। अब हम उबले हुए अंडा को फ्राई करने के लिए 2 चम्मच तेल रिफाइंड और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसको मैं अच्छी तरह भून रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है। ये अंडा हम ऐसे फ्राई करके निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसमें काजू और किशमिश को भी देसी घी डाल के भून लेंगे। ये मैं ले रहा हूँ देसी घी। अब मैं इसमें डालूंगा किशमिश काजू 1 ही साथ और इसको अच्छी तरह भून लूंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनने से काजू खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और किशमिश भी खाने का लायक नहीं हो जाएंगे। इसको लाइटली भूनना है। अब हमारा बिरयानी पक चुका है, अब इसमें हम इसको काजू और किशमिश के साथ हम इसको डार्क करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डार्क लेंगे कि दम दे देंगे। ये काजू किशमिश ये देसी घी के साथ, देखिए ये देखिए देसी घी और काजू किशमिश। कितना अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ उबले हुए अंडा डालेंगे। उसके बाद हम पुदीना और धनिया डालेंगे। ये पुदीना डाला मैं, ये पूरा
धो के निचोड़ के रखा हुआ है पुदीना है, और ये रहा धनिया, इसको भी डालेंगे थोड़ा। ये हमारा कैमरा इतना खास नहीं दिखाता है, क्या डाला आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। ये धनिया पुदीना में डाला हूँ। हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, अब हम इसको दम करेंगे। दम इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको दम करेंगे, पूरा पानी ऊपर डाल के, गर्म पानी और नीचे बिरयानी। ऐसा करने से और बिरयानी का फ्लेवर बहुत मज़ा से आएगा, क्योंकि हमने काजू किशमिश बादाम और इसमें ये भी ढाला हुआ है कि देसी घी और ऊपर से अंडा भी, ये सब फ्लेवर आके बिरयानी मस्त हो जाएगा। दोस्तों ये बिरयानी का साइड डिश है, ये बैंगन का सालना है, ये मेरी बीवी ने बनाया हुआ है। इसका भी नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बना के दे देंगे। दोस्तों ये हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, देखिए कैसा है, कैसा कलर आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये रायता है, ये दही और प्याज की चटनी, ये भी बिरयानी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों आज इतना ही, ये हमारा डिश रेडी हो चुका है, फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाहर ज़्यादा मत जाइएगा, कोरोना से बचिएगा। नेक्स्ट दूसरा वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय दोस्तों।